अरे बजरंगी जिसका वीडियो आज सर्कुलेशन में है वो बोलता है कि मैंने कई मुसलमानों के खून करे, उनके महिलाओं के जो गर्भवती महिलाओं के पेट फाड़कर उनके बच्चे निकाले। प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, जिनके 18 बॉम्ब स्फोट जो पहले मुसलमानों के गले उतराए थे करकरे ने प्रामाणिक इन्वेस्टिगेशन करके, सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद के बारे में जजमेंट है, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जिया जिन्होंने उड़ाई, सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि वह बाबरी मस्जिद थी जिन्होंने संविधान की धज्जिया उड़ाई, जिन्होंने कानून की धज्जिया उड़ाई, जिन्होंने सर्वोच्चतम न्यायालय के ऑर्डर की धज्जिया उड़ाई, उनको जमीन वापस दे। उच्चतम न्यायालय को हम लॉ बोलने की, कानून बोलने की जरूरत नहीं। और आप टिप्पणी करते हैं कि दिल्ली का गला दबाया है किसानों ने, कि वो देश के मालिक है मुट्ठी भर लोग और हम सब 2 जून के रोटी के मालिक। कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोई बाहर से चला रहा है, तो क्या वो सही है? ये बोलना पड़ रहा है कि कहीं उच्चतम न्यायालय तो मनुवादी व्यवस्था की ताकत देने का काम नहीं कर रहे? ये डरो मत, ज्यादा से ज्यादा हम जेल जाएंगे तो हम तैयार ही है। जय जवान जय किसान। आज जिनको हम माता पिता समान समझते हैं उसी उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों ने किसान आंदोलन पर करी टिप्पणी, गैरवाजवी है, अनैतिक है, असंवैधानिक है और कुदरती न्याय के यानी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ, क्योंकि इस उनके वक्तव्य से लगता है कि वो भारत में चली मनुवादी और मनीवादी व्यवस्था के बाजू में यानी मनुवादी व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा संदेह आता है। देखिए 2014 के बाद मोदी ने नोटबंदी करी, हजारों लोग रास्ते पर आए, सैकड़ों लोग मरे, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया नहीं। बिना नोटिस मोदी ने लॉकडाउन किया, करोड़ों लोग रास्ते पर चल रहे थे, कई लोगों ने पिटीशन किए, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने बोला कि नहीं, कोई रास्ते पर चल नहीं रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर भरोसा किया और कुछ नहीं किया। जो बाद में कोई हाईकोर्ट ने करी किया उनके लिए, वो बोले हम रो रहे हैं, हमें बुरा लगता है, तब कुछ हुआ। अरे बजरंगी जिसका वीडियो आज सर्कुलेशन में है वो बोलता है कि मैंने कई मुसलमानों के खून करे, उनके महिलाओं के जो गर्भवती महिलाओं के पेट फाड़कर उनके बच्चे निकाले, जो खुद उसका वीडियो है, और उसको अजन्म कारावास की शिक्षा होने के बावजूद वो आज जमीन पर है, बेल पर है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, जिनके 18 बॉम्ब स्फोट जो पहले मुसलमानों के गले उतराए थे करकरे ने प्रामाणिक इन्वेस्टिगेशन करके, अभी उसमें विटनेस टिकेंगे नहीं, वो सब छूटेंगे, वो बात अलग है, लेकिन जो आज रिकॉर्ड पर था वो जमानत देने के जैसा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद के बारे में जजमेंट है, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जिया जिन्होंने उड़ाई, सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि वो ढांचा गिराया गलत था, और उसके बावजूद जिन्होंने संविधान की धज्जिया उड़ाई, जिन्होंने कानून की धज्जिया उड़ाई, जिन्होंने सर्वोच्चतम न्यायालय के ऑर्डर की धज्जिया उड़ाई, उनको जमीन वापस दे। आज
जो देश 70 साल में थोड़ा बहुत खड़ा हुआ था, बहुत अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन सभी सार्वजनिक उद्योग मोदी बेच रहे हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, दो समय की रोटी के लिए तरस रहे कम से कम 100 करोड़ लोग भारत में हैं, किसान जब रास्ते पर बैठे हैं तो किसानों को सरकार अंदर आने नहीं देती, ब्रैकेट सरकार ने लगाए हैं, गड्ढे सरकार ने खुदे हैं, सुलिया सरकार ने लगाई है, तो सरकार के खिलाफ कुछ बोलने के बावजूद, और उनका आंदोलन करने का अधिकार है संविधान के दायरे में, अहिंसात्मक मार्ग से वो आंदोलन कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय को हम लॉ बोलने की, कानून बोलने की जरूरत नहीं। और आप टिप्पणी करते हैं कि दिल्ली का गला दबाया है किसानों ने, जो किसान रात दिन मेहनत कर रहा है, जो किसान, आपको याद नहीं होगा कि जब मोदी ने अचानक लॉकडाउन लगाया तो 4 दिन के बाद होम मिनिस्ट्री को याद आया कि किसानों का काम चलना चाहिए, दूध आना चाहिए, अंडा आना चाहिए, जो कुछ मछली मटन जो दिल्ली बाहर से दिल्ली में आना चाहिए, तो उनके लिए सहूलत दे दी लॉकडाउन में, और करोड़ों कामगार रास्ते चल रहे थे, हमारे मां बहने गर्भवती मां बहनों का रास्ते से चलते हुए उनकी डिलीवरी हो गई, वही खून लेके वो रास्ते पर चल रहे थे, उच्चतम न्यायालय ने कुछ नहीं किया, उसके बावजूद आज मैं खुद किसान बॉर्डर पर बैठा हूं, मैं खुद किसान हूं, और किसानों ने बिल्कुल संविधान के दायरे में अहिंसात्मक मार्ग से अपना आंदोलन खड़ा किया है। वो दिल्ली आना चाहते थे, दिल्ली में जंतर मंतर है, दिल्ली में रामलीला मैदान है, कई बड़े बड़े मैदान हैं जहां किसानों को बैठने की परवानगी देते, अन्ना हजारे का कैसा आंदोलन दिया था, बैठे थे ना दिल्ली में, बैठे थे लोग, सुप्रीम कोर्ट में 3 कानून के खिलाफ पिटीशन हुआ है, उसमें उच्चतम न्यायालय ने कमिटी स्थापन की थी जिसका, यानी जिसके इतिहास ऐसा था तीनों कमिटी मेंबर्स का कि वो किसानों के खिलाफ ये कानून के बाजू में थे। कानून किस लिए हो रहे हैं, मनीवादियों के हाथ में सब प्रॉपर्टी देनी है, जरा उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर्स नेशन वुड गोलवलकर टिड़क और सावरकर पढ़ेंगे तो देश पर बहुत उपकार होंगे, क्योंकि उन्होंने, उनका कहना है कि वो देश के मालिक है मुट्ठी भर लोग, और हम सब 2 जून के रोटी के मालिक अधिकारी है, यही पर देश लाया है 7 साल में। आज किसानों के बारे में जो टिप्पणी आप लोगों ने उच्चतम न्यायालय ने करी वो अवाजिबी थी, गैरवाजिबी थी, आपको मालूम नहीं उनको वहां बैठना पड़ रहा है, वो तो आके आजाद मैदान में बैठते, वह सब जंतर मंतर में बैठते या रामलीला मैदान में बैठते और कहीं भी बैठते ना, लेकिन आपने वो होने नहीं, वो ना आपने किसानों की कुछ सुनी आज तक, ना सरकार ने सुनी, आपके 4 जजेस ने 12 जनवरी 2018 या 16 में पत्रकार परिषद ली थी और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोई बाहर से चला रहा है, तो क्या वो सही है, क्या आप लोग मनुवादी और मनीवादी व्यवस्था को ताकत देने का काम कर रहे हैं, ऐसा संदेह जनता का होना वाजिब है, इसलिए आप टिप्पणी है ये तो जजमेंट नहीं है, लेकिन जो भी हुआ तो प्रेस किसका है, मनुवादी और मनीवादी उनका प्रेस है, जो प्रेस ने किसानों के बारे में हमेशा बदनामी करी, आज तो आपने उनको मौका दिया, देखो
सभी संस्थानिक संस्थाएं, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं कि सभी संस्थानिक संविधानिक संस्थाओं का काम क्या है, एक दूसरे के काम का चेक और बैलेंस, चेक्स और बैलेंस करना और देश के नागरिकों का हित देखना। आप बोलते हैं कि किसानों ने गला घोट दिया इससे बाकी लोगों का अधिकार पर गदा, यानी अधिकार रोक लगी है या तकलीफ हो रही है बाकी लोगों को, किसको तकलीफ हो रही है? जो किसान रात दिन खेतों में मेहनत करता है उसके दाम नहीं मिलते, इसलिए 70 साल से वो लड़ रहा है। 70 साल से क्या, 1917 से, 1917 खेड़ा का पहला आंदोलन हुआ था तो लड़ रहे हैं ना। और ये व्यवस्था जो है मनुवादी और मनीवादी व्यवस्था, ये उनको न्याय देने की कोई गुंजाइश नहीं है जब तक आप जो देश के माता पिता है आप इस सवाल को नहीं उठाएंगे, इसके ऊपर गौर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज हमें उच्चतम न्यायालय का पूर्ण आदर रखते हुए ये बोलना पड़ रहा है कि कहीं उच्चतम न्यायालय तो मनीवादी और मनीवादी मनुवादी व्यवस्था की ताकत देने का काम नहीं कर रहे। तो मैं सबको, किसान भाइयों को मैं विनती करता हूं कि जो भी उच्चतम न्यायालय ने कहा उससे डरो मत। आपको सरकार अंदर आने नहीं दे रही है, सरकार ने कहा आपके ऊपर इतना अन्याय हुआ कि पानी के ठंड के दिनों में पानी के बौछारे रास्ते पर खिले, गड्ढे, ये सब दुनिया जानती है। दुनिया के किसानों ने आपका आंदोलन का आदर्श लिया है, अमेरिकन किसानों ने आपके लिए सपोर्ट दिया है, सभी दुनिया के किसान आपको सपोर्ट कर रहे हैं। केवल उच्चतम न्यायालय के, मैं तो कहूंगा कि आंदोलन के बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में अनपढ़ जजेस ने जो कुछ कहा है वो उनके टिप्पणी से मुझे लगता है कि वो इस बारे में अनपढ़ है और उनको आपने जो उन्होंने कहा है उसकी चिंता मत करो। वैसे भी हम जेल में हैं, बाहर है, फर्क क्या पड़ता है? यदि हमें 2 समय की रोटी नहीं मिल रही है और जो किसान हमको रोटी देता है, देखो कोरोना में क्या हुआ, अरे एक एक जो 10-20 रुपए की टैबलेट थी उसके 50-50 हजार रुपए, क्योंकि वो सब लॉक कर रहा था। आज भी जब आपकी खेती अदानी अंबानी के कब्जे में जाएगी या पूंजीवादियों के मनीवादियों के कब्जे में जाएगी तो रोटी भी तिजोरी में जाएंगे ना। तो हमें आज जो रोटी 1 रुपया 2 रुपए में मिलती है, 10 रुपए मिलती होगी, वो तो 100 रुपए भी नहीं मिलेगी। आज सभी इंडस्ट्रीज सिर्फ किसानों पर निर्भर है और वो लाखों करोड़ का बिजनेस आज भी मनीवादी करते हैं। मनीवादियों के खिलाफ ये आंदोलन है, मनुवादियों के खिलाफ ये आंदोलन है और हमारे उच्चतम न्यायालय, माता पिता जैसे उच्चतम न्यायालय आपके खिलाफ बोल रहे हैं। इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण शायद जुडिशियरी में कभी नहीं आया होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों को मैं विनती करता हूं कि आप सब साथ बैठो, एक दिन देश में क्या चला है उसकी चर्चा तो करो। बेचारे चीफ जस्टिस अच्छे बोल रहे हैं लेकिन आप सब लोग उनके साथ नहीं जाएंगे तो वो क्या करेंगे? मैं आप सब उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों को विनती करता हूं कि देश में जो चल रहा है यदि आप लोग ये समझते हैं तो ये सब बंद हो सकता है। आपके जैसी ताकतवर जुडिशरी दुनिया में नहीं है, आपके जैसे पावर्स दुनिया के उच्चतम और उच्च न्यायालय को नहीं है। और दूसरी बाजू में किसानों को बोल रहा हूं कि डरो मत, ज्यादा से ज्यादा हम जेल जाएंगे, जेल जाने को हम तैयारी है। संविधानिक तरीके से आपका आंदोलन है और वो अहिंसात्मक मार्ग से आंदोलन है। सरकार ने आपको रोका है, सरकार ने रास्ते बंद किए हैं, आपका रास्ता बंद करने में कोई आपका
इच्छा भी नहीं और आप करते भी नहीं।